हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको माइक्रम के वेस्टेज कॉर्ड से देखिए एक सुंदर सा इस तरह से बुकेट बनाना बताऊंगी, जिसे आप पॉट में आसानी से हैंग कर सकते हैं या किसी को प्रेजेंट देना है तो भी आप इसे दे सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल है बनाने में, पूरा वेस्टेज कॉर्ड से ही इसे मैंने बनाया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए देखिए इसे कैसे बनाया है मैंने। हमें सबसे पहले वेस्टेज कॉर्ड को, जो भी हम सामान बनाते हैं उसमें से जो कॉर्ड बच जाते हैं तो उन्हें उसका हम उपयोग करके आज एक शोपीस बनाएंगे बढ़िया सा। तो इस तरह से जो भी आपके पास वेस्टेज कॉर्ड है उसे फेंके नहीं, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना के इस्तेमाल कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इस तरह से डब्बा लिया है और कॉर्ड को खोल के मैं इस पे इस तरह से अच्छी तरह से लपेटूंगी। ये देखिए इस पे लपेट लेना है, एक मोटा सा परत बना लेना है कॉर्ड का, इस तरह से खोल लेना है, आसानी से खुल जाएगा। ये देखिए एक गांठ लगा लेंगे डब्बे के ऊपर, कॉर्ड को अच्छी तरह से लपेट लेंगे, एक मोटी परत बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने डब्बे पे इस तरह से कॉर्ड को अच्छी तरह से लपेट लिया है और अब हमें इसे इस तरह से निकालना है। देखिए देखिए यहाँ पे हमने इसे इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पे बीच में हम धागा ले लेंगे और इसे बांध देंगे बीच से। देखिए इस तरह से टाइट एक गांठ लगा लेंगे। फिट नॉट लगा लेंगे एक। अब हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से गोल गोल कर देंगे। ये देखिए ये हमारा पॉम्पम बन के तैयार हो गया। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमने दो तीन कलर में पॉम्पम बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस शो पीस की पत्तियां बनाने के लिए मैंने मलाई कॉर्ड लिया है ग्रीन कलर में। ये मेरा एक कॉर्ड मैंने 40 सेंटीमीटर का कट किया है, 40 सेंटीमीटर का कॉर्ड कट किया है। और इसे देखिए डबल कर लेंगे, एक कॉर्ड को हमें डबल करना है। सेंटर पे हम एक इस तरह से पिन लगा देंगे, सेफ्टी पिन लगा देंगे। उसके बाद कॉर्ड को इस तरह से फिर से डबल करेंगे और इस कॉर्ड पे हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पे हम एक नॉट, जो हाफ नॉट हम कहते हैं, उसे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हम टोटल 4 कॉर्ड फंसा लेंगे। यहाँ पे हम 4 कॉर्ड फंसा लेंगे इस तरह से। अब देखिए यहां पे मैंने 4 कॉर्ड फंसा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहां से स्टार्टिंग का कॉर्ड ले लेंगे और सभी कॉर्ड को इस वाले कॉर्ड पे डबल टाइम रैप करेंगे। ये देखिए डबल डबल टाइम हमें लगा लेना है। फिर से यहां से कॉर्ड ले लेंगे, फिर ये वाले कॉर्ड को लेके फिर से इस पे भी डबल टाइम रैप कर लेंगे। ये देखिए उसके बाद इस साइड आ जाएंगे स्टार्टिंग का कॉर्ड लेके और इसी तरह से सभी कॉर्ड को डबल डबल टाइम लगाना है। यहां से कॉर्ड ले लेंगे और इस वाले कॉर्ड पे हमें फिर से रैप करना है। ये देखिए इस तरह से डबल टाइम कर लेंगे और इधर भी इसी तरह से हमें
रैप कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये जो कॉर्ड है एक दूसरे के साथ पहले लगा लेंगे, इसके बाद अब इस पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट में एक कॉर्ड बच गया। इसे लेके फिर से सभी कॉर्ड को इस पे रैप कर लेंगे। अब साइड साइड के कॉर्ड बच गए हैं, इन्हें भी हम लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे लास्ट में दो कॉर्ड बच गए, इन दोनों को एक दूसरे के साथ लगा लेना है। देखिए इस तरह से हमारी पत्ती बनके तैयार हो गई। अब देखिए इसे लाइटर से हल्का सा जला जला के बैक साइड में हमें चिपका लेना है, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी इस तरह से। सो देखिए इसी तरह से हमें बहुत सारी पत्तियां तैयार करके ले लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमें चाहिए इस तरह का वायर चाहिए, और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर में ऊन लिया है, और इससे हमें इस पे इस तरह से अच्छी तरह से लपेटना है इस वायर के ऊपर। वायर के ऊपर हम ऊन को अच्छी तरह से देखिए इस तरह से लपेट लेंगे। हम यहाँ पे इस तरह से चिपका लेंगे। पॉम्पम बनाए हैं, इस वायर को हमें इस तरह से इसमें लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने पॉम्पम बना के तैयार कर लिया है, और जो पत्तियां हमने बनाई थी पत्तियों में भी हमने इस तरह से वायर लपेट के और उनको लपेट दिया है, उसे कवर कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरह की एक लकड़ी है जिसमें हम इसे लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से एक हम पोम-पोम लगाएंगे, और यहाँ पे एक पत्ती ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, उसके बाद जरा सा हम टेप इस तरह से इस पे लगाते जाएंगे। एक पत्ती ले लेंगे फिर, और फिर से एक पॉम पॉम, ये देखिए इस तरह से, और फिर इन्हें भी हम इस तरह से लगाएंगे। अब फिर से यहाँ पे देखिए हमें एक पत्ती डालनी है और एक पॉम पॉम लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम एक इस तरह से पत्ती लगा लेंगे और एक पॉम पॉम। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस तरह से सभी पॉम पॉम को इसमें जो हमारी ये लकड़ी थी उसमें लगा लिया है। दिखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। और फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया था कि वायर के सहायते से मैंने लगाया था, तो यहाँ पे देखिए वायर के सहायते लगाने के बाद फिर से मैंने जो पॉम पॉम है ग्लू से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इस पे मैंने चिपका लिया है, जिससे ये दिखने में घना भी लग रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है।
अब ये जो लकड़ी है इसे हम क्या करेंगे, इस ऊन ले लेंगे और ये दिखे नहीं इसलिए हम इसे इस तरह से कवर करेंगे। देखिए इस तरह से घुमा घुमा के कवर कर लेंगे जिससे कि ये लकड़ी छिप जाएगी। ये पूरा वेस्टेज माइक्रम से ही बनाया है। सो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शोपीस बनके इस तरह से तैयार हो गया। पूरा वेस्टेज कॉर्ड से ही इसे मैंने तैयार किया है और यहाँ पे देखिए दिखने में भी ये काफी खूबसूरत है, एकदम आसान है। जो भी माइक्रम के कॉर्ड बचते हैं आप इस तरह से कुछ भी बना के घर के लिए आप अच्छे से अच्छा बना के इसे यूज कर सकते हैं। और देखिए इस तरह यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है और पॉट में हमें इसे इस तरह से हैंग करना होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप इसे कहीं भी रख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करिए आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।